चलेगा मिर्चियो बीबी बीबी। बच्चा लोग, एक बड़े मैच के लिए स्कूल की फुटबॉल टीम का सिलेक्शन होने वाला है। कौन कौन टीम में खेलेंगे हाथ खड़े करो। हाँ। बीबी, बीबी। एक दो 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 एक दो। अरे यूबी, तुम्हें नकल मारनी है तो अच्छे से मारो। पहले यूं बैठ जाओ, फिर हाथों को फैलाओ ऐसे और नीचे झुको। एक दो, ऐसे करना चाहिए। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। एक दो। कुछ नहीं हुआ, एक्सरसाइज करते वक्त तो ये सब होता रहता है। अरे तुम ताली क्यों बजा रहे हो? जाकर देखो मिर्चियो स्कूल से वापस आया कि नहीं। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो मिर्चियो किक कब मारेंगी? मिर्चियो गोल करो, चल बॉल इधर दे। तातियों ने मुझसे बॉल छीन ली। अरे क्या बॉल आ गई। वाह क्या किक मारी है। गोल आ गया। ये तुमने कैसे मारा मिर्चियो? वो तो मेरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा तो ये सब यू भी कर रहा था। अरे वाह, यू भी आगे भी करते रहना। ये लो। अरे ये क्या? मिर्चियो तुम सेलेक्ट हो गई। मम्मी मेरा नाश्ता हो गया, चलो यूबी तुम्हें भी साथ चलना है। तुम अकेले जाओ, यूबी आज मेरे साथ शॉपिंग करने जाएगा। सारे बैग्स इसी को तो उठाने हैं। यूबी इसे ध्यान से देखो, ये फुटबॉल का खतरनाक खिलाड़ी है। बस तुम अपने चमत्कार से इस फोटो की ताकत मेरे अंदर डाल दो, फिर मैं भी बहुत अच्छा खेलूंगा और मैच में सबकी छुट्टी कर दूंगा। बीबी बीबी चलो अब शुरू हो जाओ। आज तो मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं। यू भी ठीक से रहना। तो सभी अच्छा बच्चा लोग इस मैच के लिए तैयार हो जाओ। सर आज का मैच तो हम ही जीतेंगे, आप बेफिक्र रहिए और एक कोने में बिस्तर लगाकर सो जाइए। तुम बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हो, हमें तुम्हारे पे घमंड है। मिर्चियो तुम फिट तो हो ना? आज तो बस बॉल को छोड़ूंगा नहीं। ये हमारी किक। मिर्चियो दोनों नहीं खेलो। रुक जाओ फुटबॉल, आज तो मिर्चियो का कमाल देखो। वन टू थ्री खत्म। मिर्चियो तुम्हें पता है ना हम क्या खेल रहे हैं? ये क्या हुआ, हम तो मैच जीत गए ना। बीबी 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 बीबी। यूबी मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी बेटा, तुम दूध पीकर नीचे आ जाओ। आज तो हम हार के रहेंगी। अच्छा अच्छा बोलिए सर। मिर्चियो अच्छे से खेलना नहीं तो फेल कर दूंगा। मुझे दो मुझे दो। यहाँ पास करो, यहाँ इस तरह। वापस किक करो। हेड है, बॉल दूसरी टीम को दो। ये क्या हो रहा है मुझे?
अगर मैं जमीन पर बैठा हूँ तो फुटबॉल कौन खेल रहा है? ओए नीचे गोल रख, रुक जा। हाँ? तो जैसे प्लेयर का ये टीम में कोई काम नहीं। बीपी, 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 अब गोल करूंगा। चले चले चले। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जादू का तो असर ही नहीं हो रहा। अरे यूबी कहाँ हो तुम, कुछ तो करो। अब तो खुद पे भरोसा करके खेलना चाहिए। नीचे बॉल आ रही है। ये किक तो मैं मार गिराऊंगा। ये इस तरह से खेलना तुम्हें किसने सिखाया? मैंने ही तो इसको सिखाया। दायबुत्सु क्यों है ना? ना? यहू, यहू, मैं फुटबॉल का महान खिलाड़ी हूँ। मिचियो को हुआ है दांतों में दर्द। बीबी बीबी। दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई भी असर नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? तुझे उठाने में हेल्प करता हूँ। बीबी 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 इसका फायदा उठाता हूँ। कोई ठीक कर दो इसे। यूबी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसे मजाक मत बनाओ, बहुत तकलीफ में हूँ। तुम्हें दर्द होता तो पता चलता। अच्छा मेरी बात सुनो, जो जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे और अपना दिमाग नहीं लगाओगे। मम्मी पापा के साथ मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, पिछली बार उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी थी। यूबी मैं इस पत्थर में डोरी बांध रहा हूँ, अब इसका एक सिरा मेरे दांत पर लगा दो, उसके बाद पत्थर किसी एंगल पर लगाकर खींचो। नहीं नहीं नहीं, अभी कहीं जाने का मोड़ ना हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम ताकिमी के घर जल्दी पहुँचो। हाँ हम उसके घर में थोड़ी देर में पहुँचते हैं। अरे मिचियो अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं दांत तुड़वा कर बैठा होगा। क्या मतलब है? क्या कहो? क्या हालचाल है दोस्तों? अरे मिचियो तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम्हारे हाथ की कुकी खाने मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ मिचियो, मैं तो कुकीज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब देखता हूँ मिचियो कैसे खाता है। अच्छा यूबी, तो अब तुम मस्ती मत करना, ठीक है? साथियों कैसे हो? सब कुछ ठीक ही है। अभी पता चल जाएगा क्या ठीक है और क्या नहीं। ये लो दोस्तों खाओ। अरे क्या बात है। मीचो आज तुम्हारी और मेरी कुकी चबा चबा कर खाने की टक्कर होगी, देखते हैं कौन जीतता है, समझे? हाँ, अरे ये क्या बात हो गई? ताकिमी ने इतने प्यार से कुकी बनाई है, जिसका जैसे मन होगा वो वैसे खाएगा, चबाने की बात कहाँ से आ गई? मीचो सही कहा, तुम बहुत होशियार हो। क्योंकि मैं पैदा ही होशियार हुआ था। अच्छा छोड़ो ये सब बातें और खाना शुरू करो। खाने चलो, यहाँ बैठो और कहीं जाना मत, अगर कुकी खाने का मन हुआ तो खाना। अब चलो शुरू करें। ताकिमी क्या मजेदार कुकी है। मुझे पता है मिचियो, ये खा कैसे रहा है? ताकियो तुम क्यों नहीं खा रहे? अरे खा तो रहा हूँ। मैं भी खा रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची। वाह वाह ताकिमी, तुम्हारे हाथ में जादू है। मिचियो ये वाली खा के देखो ना, ये वाली बहुत अच्छी है। तो यही सबसे पहले खाऊंगा अब। खाओ खाओ मिचियो, देख क्या रहे हो, ये भी ताकिमी ने अपने हाथों से ही बनाया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ताकिमी ने इतने प्यार से बनाया है। ये लो मैं खा रहा हूँ। बीबी, 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 बीबी।
वाह क्या बात है ताकी में। बीबी बीबी बी। याम याम आज तो सारी कुकी खा जाऊंगा। अरे मैं तो चाय चढ़ा के आई थी, कहीं वो जल ना गई हो। अभी आए यूबी कहाँ जा रहे हो, सुनो तो यहाँ। अरे मिची यूबी को जाने दो ना, कुकी तुम्हें खानी है या उसे? नहीं नहीं यूबी को नहीं, मुझे खाना है। यूबी मस्ती मत करो, ये गिर जाएगा। बीबी तो ये देखो मैं कुकी खा रहा हूँ। ये लो दोस्तों चाय, गर्मा गर्म है, पी लो मजा आएगा। सबसे पहले मिची को दो, वो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारी गर्मा गर्म चाय का। ठीक है यूबी अब क्या करे, अब तो पूरे फंसे। एक सांस में पी जा मिची। पी तो रहा हूँ, चुप बैठो। ठंडा कर दो इसे यूबी, ठंडा कर दो। यूबी तुम तो कमाल के हो, इतनी बढ़िया कुकी खाई और चाय भी पीने को मिली, डबल मजा। थैंक यू मिचियो। तातिया तुम्हारा मुंह क्यों सूजा है, तुम कुछ खा भी नहीं रहे हो। वो इसलिए क्योंकि तातियो सब एक साथ खाएगा। अब देखना इतनी सारी कुकीज मैं एक साथ ही खाऊंगा, देखना मैं ये सारी की सारी खा जाऊंगा। मिचियो तुम भी दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं। ये छोटी मोटी चीजें तो मैं चुटकी बजाते ही चबा लूं। ये देखो मैं ढेर सारी कुकी चबाने जा रहा हूँ, तो चबाओ ना। क्या कर रहे हो, अपने मुंह में डालोगे या नहीं? मिचियो को क्या हुआ? हमारे मिचियो मास्टर को 440 वोल्ट का करंट लग गया। निकल गया। ए यूबी जिस खराब दांत में दर्द था वो निकल गया। यूबी दांत निकल गया, दांत निकल गया। दांतियों को देंगे जादुई कछुआ बीबी बीबी। अच्छा हुआ जो हमने आग जला ली, नहीं तो हमारी कुल्फी जम गई होती। सही कहा, लेकिन इस शकरकंदी की वजह से ही हमें आग जलानी पड़ी। हाँ तुमने तो बिल्कुल सही कहा तातियो, आज अगर मैं नहीं होता तो इन पत्तियों के जगह मिर्चियों के कपड़े जलाने पड़ते। मेरे कपड़े जलाने की हिम्मत किस में है, जरा सामने तो आए। चुप रहो और हमारी मदद करो। हाँ तातियो कभी झूठ नहीं बोलता, तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं घर से कपड़े भी उठा लाऊंगा। ठीक है। कितनी खांसी हो रही है मिर्चियो, तुम ठीक तो हो ना? ताकि भी छोड़ो उस मिर्चियो को, अपने हाथ से को वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है? हट जा मिर्चियो, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैं बैठूंगा। हाँ अच्छा तो ये चालबाजी, तुमने मेरी जगह हथिया ली। ये पत्तियाँ मैंने जमा की थी और हवा की वजह से धुआं मेरी तरफ आ रहा है, चलो हटो मेरी जगह से। मैंने कहा हटो। ये क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारी जगह है क्या? अभी बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बहुत खांसी हो रही है। पढ़े हो यूबी? अरे वाह बात करने वाले कछुए में बैठ के निकला राजकुमार बूढ़ा हो गया, उसे जंगल के अंदर एक डिब्बा मिला, उसे खोलते ही धुआं निकला और वो राजकुमार खास खास कर बेहाल हो गया। यूबी कैसी कहानी पढ़ रहे हो, कोई अच्छी किताब पढ़ो। बीबी बीबी। ये क्या बोल रहे हो तुम यूबी। अरे वाह इससे तो तातियों को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। ये कहा क्या बीबी? अरे वाह ये रही सफेद बालों वाली विग और साथ में घनी घनी मूछे। यस अब तातियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तातियो बताओ तुम हमेशा मिर्चियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या करूं मिर्चियों को परेशान किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ये तो बहुत गलत बात है, मैं जा रही हूँ। ताकि मैं ये बहुत नाइंसाफी है। हाँ अरे डोटा डोजी तुम लोग इस कछुए के साथ यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे दे दो। ये अच्छा मौका है। हाय डोटा डोजी ये कछुए को लेकर कहाँ घूम रहे हो, मुझे दे दो।
अरे ऐसा मत करो। अभी बताता हूँ। ये देखो मेरे पास क्या है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे कछुआ दे दो, इतने काफी है। बड़े चालाक है दोनों। चलो थोड़े और बढ़ा देता हूँ। अब ये कछुआ तुम्हारा हुआ। बाय। दादियों मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुमने ऐसा किया, तुम तो बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। दादियों मैं तो खुशी से झूम उठी हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊँ। अरे इसमें एहसान वाली कोई बात ही नहीं है ताकि मैं, मैंने ये कछुआ इसीलिए खरीदा है ताकि मैं इसे तुम्हें तोहफे में दे सकूँ। अरे ये कितना प्यारा है, मुझे इसे एक बार हाथ में पकड़ने दो ना। हाँ क्यों नहीं। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है। शुक्रिया तातियो, ये तो बहुत ही प्यारा है। बस दो मिनट में सब कुछ तैयार हो जाएगा। यूबी ये तुम क्या कर रहे हो। यूबी तुम्हें याद तो है ना कि क्या क्या करना है, भूल तो नहीं गए। ओहो तातियो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, कब से घंटी बजा रहा हूँ। डिंग 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 डिंग। ओ बाहर से आ रहा है। हाँ चलो मैं छुप जाता हूँ। देखे कछुआ ताकि मैं कहूँ मैं बहुत खुश, अब हो जाएगी मेरी पक्की दोस्त। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे अरे तातियो इधर उधर क्या देख रहा है, जल्दी से डिब्बा उठा। ये क्या? अब समझा, मैंने ताकिमी को तोहफा दिया था ना, लगता है इस काले डिब्बे में उसने भी मुझे बहुत बढ़िया तोहफा दिया होगा। एक बार डिब्बा तो खोलो ताती हो, मजा आएगा। मैंने सुना है कि जब कोई ज्यादा ही मेहरबान हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। दाल में कुछ काला है। हाँ, लगता है इसे शक हो गया है। अगर मन में कोई शक आ जाए तो वो काम को पूरा नहीं करना चाहिए। यूपी ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो शुरू हो जाओ। ओए ये क्या, ये क्या हो रहा, हटो हटो। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। अरे ये तो खुला है। तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे चलो चलो जल्दी चलो। ये बूढ़े अंकल कौन है। अरे अब ताकि भी मुझे देखकर क्या बोलेगा। मुबारक हो, जिसने भी मुझे ये दिया है उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी मुझे ये काला डिब्बा दिया है मत का सामना छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। जरूर ये सब उस कछुए की वजह से हुआ होगा, शायद वो ही मुझे ठीक कर सके। ओए ताकि मैं कछुआ लेने आ रहा हूँ। लगता है ये कोई तरकीब लगा के ही रहेगा, चलो इसका पीछा करते हैं। चलो चलो ताकि मैं दरवाजा खोलो। रुको मैं आ रही हूँ ताती हो। अरे तातियो आप उसके दादाजी हैं क्या। इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे पहचान भी नहीं पा रही है। आपकी शक्ल तो बिल्कुल तातियो से मिलती है, आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। बेटा ताकिमी जो कछुआ तुम्हें तातियो ने दिया है वो मुझे चाहिए। तातियो के दादाजी खुद तातियो है। बेटा मैं जल्दी में हूँ, जल्दी अंदर जाओ और वो कछुआ लेकर आ जाओ। वो तातियो ने दिया था, वो नाराज हो जाएगा। नहीं होगा, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है यही रुकिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। आवाज निकाल कर तो हालत खराब हो गई। ताकिमी को तो वो कछुआ बहुत पसंद है। तातियो ठीक हो जाए तो इसे वापस लौटा देना। हाँ तुम बेफिक्र रहो। चलो। अरे ये कहाँ गायब हो गया। यूबी मैंने गाड़ी खरीदी है, चलो घूम कर आए। चलो ना। अरे डोडा डोजी तुमने तातियो को देखा है क्या। तातियो देखा था, उसी को कछुआ बेचकर उन पैसों से ये गाड़ी खरीदी है। तातियो को है?
तुम दोनों को कुछ बताओ तो बता दो, फिर आराम से खेलते रहना। अब एक और ट्रिक है तात्यो को खोजने की। यूबी, तुम अपनी जादुई मशीन में देखो ना, इस समय तात्यो कहाँ पर है। अच्छा, तो ये यहाँ पर है। मान कछुए, मैंने सुना है कि आप जादू करते हैं, मुझे ठीक कर दीजिए ना। चलो यूबी, हम इसकी मदद करते हैं। तुम्हारा ध्यान किधर है? कब से मदद मांग रहा हूँ, इधर उधर देख रहे हो? जल्दी से ठीक करो मुझे। साथियों, चिल्लाओ मत वरना जिंदगी भर बूढ़े रहोगे। अब मेरे कदमों पर गिरकर माफी मांगो। मुझे माफ कर दो कछुए जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी कहा सब गुस्से में कहा। तुम जो हर वक्त सबका मजाक उड़ाते हो, सबको परेशान करते हो, उस बारे में क्या कहोगे? अगली बार किसी को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मजा आ गया, मुझे तुम पर तरस आ गया है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। ठीक है। तुम पैरों के बल घर नहीं जाओगे। ठीक है। बाबा तातियो, रोज आसमान देखते हैं, आज जमीन देखनी पड़ रही है। मेरी कमर टूट गई। अरे तातियों के दादाजी, आपको क्या हुआ? अब आएगा असली मजा। आइए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, पीठ पर बैठ जाइए। शुक्रिया बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो। बीबी, मुझे पता नहीं था कि दादाजी बनके इतना आराम मिलेगा। तुम्हारे कंधों में बहुत ताकत है। शुक्रिया। हमारा प्लान तो उल्टा हो गया।